डीसी मोटर। डीसी मोटर क्या है? एक इलेक्ट्रिकल मोटर है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। हाँ, डीसी मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एक मोटर है जो क्या काम करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। टाइप्स ऑफ डीसी मोटर में हम देखते हैं, सबसे पहले सीरीज वाउंड मोटर है। सीरीज वाउंड मोटर में क्या है? सीरीज में फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर जो आर्मेचर करंट की वैल्यू है और सीरीज करंट की वैल्यू है वो सेम होगी, और वोल्टेज होगा टर्मिनल पर जो वोल्टेज होगा ईवी प्लस आईएआरए प्लस आईएस आरएस होगा, तो ये दोनों सेम है, तो करंट को कॉमन लेकर हम इसको दोनों को जोड़ सकते हैं। फिर है संट वाउंड मोटर। संट वाउंड मोटर में क्या होगा? जैसे संट में हम वाइंडिंग को कनेक्ट कर देते हैं फील्ड वाइंडिंग को, तो यहां पर आईएल की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई आर्मेचर करंट प्लस संट फील्ड वाइंडिंग करंट। आई ए इक्वल टू हो जाएगा आईएल माइनस आईएसएच, और बी इक्वल टू होगा ईबी प्लस आईएआरए। तो ये बी की वैल्यू है, ये क्या होगी? ई प्लस आईएआरए, ई वाला वोल्टेज होगा। आईएसएच की वैल्यू क्या होगी? बी बाई आर एस एच से आई एस एच की वैल्यू निकाल देते हैं। तो हम यहां पर देखते हैं जैसे कि इफ द स्पीड इंक्रीज ईवी आल्सो इंक्रीज, जैसे स्पीड इंक्रीज होगी तो ईवी भी इंक्रीज होगा, ईवी इंक्रीज होगा तो बी माइनस ईवी है वो डिक्रीज होगा, तो यहां पर जो बी माइनस ईवी है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो आर्मेचर करंट है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर आर्मेचर करंट क्यों डिक्रीज हो जाएगी इस फर्स्ट के अंदर? क्योंकि जैसे स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो ईवी बढ़ेगा, ईवी बढ़ेगा तो बी माइनस ईवी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, बी माइनस ईवी डिक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से क्या है? आर्मेचर करंट बढ़ जाएगी। तो इसे जो सीरीज मोटर है इसको लो वोल्टेज हाई करंट के लिए उपयोग लेते हैं, करंट की वैल्यू भी यहां पर डिक्रीज हो जाएगी, तो यानी हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए इसको उपयोग करते हैं। आर्मेचर करंट भी कम हो जाएगी। दूसरे केस में हम देखते हैं इफ द स्पीड इज लेस, स्पीड अगर कम होगी ईवी आल्सो लेस, ईवी भी लेस होगा, ईवी लेस होगा इसका मतलब क्या है? करंट ज्यादा फ्लो होगी और जो कि मोटर टॉर्क डेवलप होगी, करंट ज्यादा फ्लो होगी तो मोटर टॉर्क भी डेवलप होगी। तीसरा केस में हम देखते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड कंपाउंड वाउंड मोटर है। लॉन्ग शंट कंपाउंड वाउंड मोटर में क्या होगा? आईएल की वैल्यू आईए प्लस आईएसएच है, आई ए की वैल्यू है आईएल माइनस आईएसएच, हम निकाल लेते हैं आईएल माइनस आईएसएच, और आईएसएच की वैल्यू बी वाई आर एस एच निकाल लेते हैं। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर बी की वैल्यू हो जाती है ईवी प्लस आईए आर ए प्लस आर एस, ये बी की वैल्यू हो जाएगी। और शॉर्ट शॉर्ट कंपाउंड मोटर में, शॉर्ट शॉर्ट कंपाउंड मोटर में आईएल की वैल्यू आईए प्लस आईएसएच हो जाएगी, बी की वैल्यू ईवी प्लस आईए आर ए प्लस आईएल आर एस हो जाएगी, इन सबसे निकाल लेते हैं। तो आईएसएच की वैल्यू क्या हो जाती है? बी माइनस के आईएल आर एस डिवाइड बाई आर एस एच, और आई एस एच की वैल्यू हो जाएगी, इसको हम बी को लिख देते हैं ईवी ईवी प्लस आई ए आर ए डिवाइड बाई आर एस एच, क्योंकि जो बी माइनस आई एल आर एस है यही वैल्यू इक्विवेलेंट है ईवी प्लस के आई ए आर ए के इक्विवेलेंट है। तो आई एस एच की वैल्यू इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। अगर डीसी मोटर की स्टार्टिंग हमें करनी है, व्हेन द आर्मेचर ऑफ डीसी मोटर इज एट स्टैंड स्टिल बैक ईएमएफ है जीरो होगा। अगर आर्मेचर स्थिर अवस्था में है तो मोटर के अंदर बैक ईएमएफ भी जीरो होगा, इसका मतलब क्या है? स्पीड भी जीरो होगी। तो ईवी की वैल्यू जेड फाइ एन पी डिवाइड बाई 60, अगर एन की वैल्यू जीरो है तो बैक ईएमएफ भी जीरो होगा। इफ ए मोटर इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू दी सप्लाई देन हैवी करंट विल फ्लो थ्रू इट, अगर हम डायरेक्टली मोटर को सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं तो बहुत हैवी करंट है फ्लो होती है इसके अंदर से, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू लेस होती है और करंट है बहुत हैवी फ्लो होती है। आर्मेचर कंडक्टर के अंदर करंट जो फ्लो होगी आई इक्वल टू बी माइनस ई बी बाई आर ए होगी, और आर ए है, आर ए की वैल्यू बहुत लेस होती है, लेस देन वन ओम। दी हैवी करंट में डैमेज दी आर्मेचर वाइंडिंग, थस फॉर प्रिवेंशन दी मोटर अगेंस्ट दी फ्लो ऑफ लार्ज करंट ड्यूरिंग स्टार्टिंग पीरियड स्टार्टर आर यूज्ड। तो स्टार्टर हम क्यों यूज करते हैं? ताकि हम मोटर के डैमेज को बचा सके, मोटर को डैमेज होने से बचा सके।
इसलिए मोटर के प्रोटेक्शन के लिए हम स्टार्टर यूज करते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इन एसी मोटर द रोटर डज नॉट रिसीव इलेक्ट्रिकल पावर बाय कंडक्शन। एसी मोटर के अंदर रोटर है, वो इलेक्ट्रिकल पावर कंडक्शन से प्राप्त नहीं कर सकता है, बट बाय इंडक्शन इट इज एग्जैक्टली द सेम वे एज सेकेंडरी ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर रिसीव इट्स पावर फ्रॉम द प्राइमरी। लेकिन इंडक्शन की कंडीशन में क्या है, कंडक्शन से प्राप्त नहीं करता है, लेकिन इंडक्शन से पावर एसी मोटर है प्राप्त करती है। जैसे कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी के अंदर जो फ्लक्स आ जाता है प्राइमरी से, उसी तरीके से यहाँ इंडक्शन के थ्रू करंट है एसी मोटर के अंदर आती है। दैट इज वाई सच मोटर आर नोन एज इंडक्शन मोटर। इन फैक्ट एन इंडक्शन मोटर कैन ट्रीटेड एज रोटेटिंग ट्रांसफार्मर। इंडक्शन मोटर को हम एक रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं। वन इन विच प्राइमरी वाइंडिंग इज स्टेशनरी बट द सेकेंडरी इज फ्री टू रोटेट। तो ऐसे रोटेटिंग ट्रांसफार्मर कह सकते हैं जिसमें प्राइमरी फिक्स है और सेकेंडरी रोटेट कर रही है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर। एज द इंडक्शन मोटर एसेंशियली कंसिस्ट टू पार्ट्स, एक होता है स्टेटर और एक होता है रोटर। तो रोटर हम क्या आंसर यूज करते हैं, स्क्वायर केज रोटर भी यूज करते हैं, चिंपा और फेज बाउंड और चिंपा बाउंड रोटर भी हम यूज करते हैं। स्क्वायर केज रोटर क्या होता है, मोटर इंप्लॉइंग द टाइप्स ऑफ रोटर आर नोन एज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर। जो मोटर के अंदर स्क्वायर केज रोटर होगा उसे स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर कहते हैं। और बाउंड रोटर क्या होता है, मोटर इंप्लॉइंग दिस टाइप ऑफ द रोटर आर बेसिकली नोन एज फेज बाउंड मोटर, और बाउंड मोटर और स्लिप रिंग मोटर भी कह सकते हैं। जिनके अंदर ये बाउंड रोटर होता है उन्हें स्लिप रिंग मोटर भी हम कह सकते हैं। स्लिप क्या होती है, द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एनएस एंड द एक्चुअल स्पीड। जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एनएस एंड द एक्चुअल स्पीड, एन ऑफ द रोटर इज नोन एज द स्लिप। तो एन है यहां पर, एन ऑफ द रोटर इज नोन एज द स्लिप। जैसे स्लिप है एनएस माइनस एन डिवाइड बाई एनएस इंटू 100 से निकालते हैं, एनएस क्या है, स्लिप स्पीड कहलाती है। रोटर स्पीड क्या होगी, एन एस 1 - KS, इससे हम रोटर स्पीड निकाल लेते हैं। एट द स्टार्टिंग स्लिप है, स्टार्टिंग के अंदर 100% होती है, जिसे 1 भी मान सकते हैं। इन एन इंडक्शन मोटर द चेंज इन स्लिप फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड इज हार्डली 0.1% to 3%। तो इंडक्शन मोटर के अंदर जो स्लिप की वैल्यू चेंज होती है नो लोड से फुल लोड के बीच में, वो 0.1% से 3% के बीच में होती है। सो दैट इट इज एसेंशियली कॉन्स्टेंट स्पीड मोटर, इसलिए हम इसको कॉन्स्टेंट स्पीड मोटर भी कह सकते हैं। कॉन्स्टेंट स्पीड मोटर किसे कह सकते हैं, हम इंडक्शन मोटर को कह सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट। रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वोल्टेज एंड करंट इंड्यूस्ड ड्यू टू द रिएक्टिव स्पीड बिटवीन द बाइंडिंग एंड मैग्नेटिक फील्ड। बाइंडिंग एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द जनरल फार्मूला। जो फ्रीक्वेंसी है एनपी डिवाइड बाई 120 से हम जो रोटर की फ्रीक्वेंसी है वो निकालते हैं। एन क्या है, रिलेटिव स्पीड बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड बाइंडिंग, एंड पी है नंबर ऑफ पोल। रोटर करंट एट स्लिप, स्लिप पर रोटर करंट क्या होगी, रोटर करंट एट द स्लिप आई टू इक्वल टू एस टाइम ई टू डिवाइड बाई अंडर रूट आर टू स्क्वायर प्लस एस टाइम एक्स टू का स्क्वायर। इससे हम रोटर करंट है स्लिप पर हम निकाल सकते हैं। टॉर्क और रोटर स्लिप करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, टॉर्क और रोटर स्लिप करेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं कि टॉर्क क्या होती है, द टॉर्क डेवलप्ड बाई द रोटर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ रोटर करंट एंड फंडामेंटल मैग्नेटिक फ्लक्स कटिंग इन द रोटर। तो टोटल टॉर्क होती है यहाँ पर, टोटल टॉर्क इक्वल टू होगी के फाई आई टू कॉस फाई टू। फाई टू है यहाँ पर यूजफुल फंडामेंटल फ्लक्स पर पोल इज प्रोपोर्शनल टू द रोटर ईएमएफ। और टी की वैल्यू हो जाएगी, टी की वैल्यू टी इक्वल टू के ई टू आई टू कॉस फाई टू। इससे हम टी की वैल्यू है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इससे ये टॉर्क आ जाएगी हमारे पास में के ई टू आई टू कॉस फाई टू, क्योंकि के फाई टू है, फाई टू यहाँ पर यूजफुल फ्लक्स पर पोल इज प्रोपोर्शनल टू द रोटर ईएमएफ। उसके बाद में देखते हैं आई टू की वैल्यू क्या है, एस ई टू डिवाइड बाई अंडर रूट आर टू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर। और कॉस फाई टू की वैल्यू हो जाएगी, कॉस फाई टू की वैल्यू आर टू डिवाइड बाई अंडर रूट आर टू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर। तो टोटल टॉर्क क्या हो जाएगी, के एस ई टू स्क्वायर आर टू स्क्वायर और डिवाइड बाई आर टू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है मोटर के लिए, आ जाएगी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोटर। 0 से 1 के बीच में ये मोटर की तरह वर्क करेगी, स्टार्टिंग टॉर्क हमारी ये होगी।
मैक्सिमम टॉर्क हमारी हो सकती है। तो स्लिप वन का होगी स्टैंड स्टिल जब टॉर्क होगी, व्हेन द स्लिप इज वन देन द स्टैंड फिल द टॉर्क टी इक्वल टू के आर टू स्क्वायर ई टू स्क्वायर डिवाइड बाई आर टू स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट। जब स्लिप वन होगी तो ये कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, और इसे हम जब स्लिप वन होगी तो इसे स्टार्टिंग टॉर्क भी कह सकते हैं। द अप्रोक्सीमेट टॉर्क स्लिप कर्व इज शोन इन फिगर रीजन वेयर डी टी बाई टी एस ग्रेटर देन जीरो। ये रीजन है ग्रेटर देन जीरो का, ये कहलाता है स्टेबल रीजन ऑफ द ऑपरेशन वेयर द मोटर नॉर्मली ऑपरेट। तो ये हमारा स्टेबल रीजन कहलाता है ऑपरेशन का। स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगी, तो स्टार्टिंग टॉर्क होती है टी इक्वल टू के एस ई टू स्क्वायर आर टू स्क्वायर डिवाइड बाई आर टू स्क्वायर प्लस एस टाइम एक्स टू का स्क्वायर। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग स्लिप हमारी वन है, ई टू कॉन्स्टेंट होगा, तो स्लिप वन है ई टू कॉन्स्टेंट होगा, तो स्टार्टिंग टॉर्क हो जाती है हमारे पास में के आर टू डिवाइड बाई आर टू स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर। मैक्सिमम टॉर्क अगर मैं दी रोटर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दी रोटर रिएक्टेंस, जब रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू रोटर रिएक्टेंस की इक्वलेंट हो जाएगी, उस कंडीशन में हमारे पास में मैक्सिमम टॉर्क अकर होती है। एंड द रिलेशन बिटवीन द स्टार्टिंग टॉर्क एंड मोटर रेजिस्टेंस बिकम, तो स्टार्टिंग टॉर्क और मोटर रेजिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन बन जाएगा हमारे पास में वो बन जाएगा के वन डिवाइड बाई टू आर टू, क्योंकि जो रोटर रेजिस्टेंस और रोटर रिएक्टेंस दोनों सेम होंगे तो ये टू आर टू स्क्वायर हो जाएगा, तो आर टू कैंसिल हो जाएगा तो के वन बाई टू आर टू बच जाएगा स्टार्टिंग टॉर्क के अंदर। तो ये आ जाती है हमारे पास में मैक्सिमम टॉर्क बाई द रोटर रेजिस्टेंस और रोटर रिएक्टेंस आर इक्वल। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या है, इन द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इन द सिंगल फेज मोटर इट हैज ओनली सिंगल फील्ड वाइंडिंग, तो इसके अंदर ओनली सिंगल फील्ड वाइंडिंग होगी विच इज अल्टरनेटिंग विथ अल्टरनेटिंग करंट। तो सिंगल फील्ड वाइंडिंग होती है जो कि एक्साइटेड की जाती है एक्साइटेड विद द अल्टरनेटिंग करंट। इन ए सिंगल फेज मोटर इट हैज ओनली सिंगल फील्ड वाइंडिंग एक्साइटेड विथ ए अल्टरनेटिंग करंट, देयरफॉर इट डज नॉट हैव ए रिवॉल्विंग फील्ड लाइक थ्री फेज मोटर, इट डज नॉट हैव ए रिवॉल्विंग फील्ड लाइक थ्री फेज मोटर थस इट डज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। तो ये जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है इनके अंदर रिवॉल्विंग फील्ड नहीं होता जैसे कि थ्री फेज मोटर के अंदर होता है, इस वजह से ये सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होती है। जो भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं हो सकती है। एज इन केस ऑफ थ्री फेज मोटर द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ ऑल थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज गिवन बाय 120 FYP, ये सिंक्रोनस स्पीड देते हैं। NS क्या होती है सिंक्रोनस स्पीड, F होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स एंड P होता है नंबर ऑफ पोल, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होता है, ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। स्टार्टिंग टॉर्क फॉर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के लिए स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग टॉर्क इज जीरो बिकॉज द पल्सेटिंग सिंगल फेज मैग्नेटिक फ्लक्स है। पल्सेटिंग सिंगल फेज मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो स्टार्टिंग टॉर्क होती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर वो जीरो होगी। द स्टार्टिंग ऑफ मोटर रिक्वायर्ड द जनरेशन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स सिमिलर टू द रोटेटिंग फ्लक्स इन द थ्री फेज मोटर। तो स्टार्टिंग ऑफ द मोटर रिक्वायर्ड, जैसे मोटर को स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की जनरेट होती जरूरत होती है, जैसे कि रोटेटिंग फ्लक्स की जनरेट जरूरत होती है थ्री फेज मोटर के अंदर, उसी तरीके से इसी भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को भी रोटेटिंग फ्लक्स की जरूरत होती है। टू परपेंडिकुलर कोयल हैव देयर करंट 90 डिग्री आउट ऑफ फेज कैन जनरेट द नेसेसरी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विच स्टार्ट द मोटर। तो हम क्या करते हैं दोनों कोयल्स को 90 डिग्री पर इलेक्ट्रिकली आउट ऑफ फेज प्लेस कर देते हैं ताकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रिएट हो सके। इस वजह से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आर बिल्ड विथ टू परपेंडिकुलर वाइंडिंग। तो ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है टू परपेंडिकुलर वाइंडिंग से ये बनाई जाती है। तो ये करंट है, करंट इन द रोटर वार व्हेन द रोटर इज लॉक्ड, तो रोटर लॉक हो जाएगा तो करंट है हमारी तरीके से होगी। रोटर लॉक कैसे है कि जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है वो इक्विवेलेंट है और लॉकिंग कंडीशन में ही आ गए हैं। तो टॉर्क स्पीड कैसी क्या होगी, टॉर्क स्पीड कैसी है ये मोटर की इस तरीके से दिखा रखी है। तो ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की टॉर्क कैसी है, टॉर्क स्पीड कैसी। अब है सिंक्रोनस मशीन, ये सिंक्रोनस मशीन इज एसी मशीन इन विच द रोटर
मूव्स एट ए स्पीड। तो सिंक्रोस मशीन में रोटर है, एक स्पीड पर मूव करता है। सिंक्रोस मशीन एसी मशीन इन विच द रोटर मूव्स एट ए स्पीड विच वियर्स ए कॉन्स्टेंट रिलेशन टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट इन आर्मेचर वाइंडिंग। तो एज द मोटर द शाफ्ट स्पीड मस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट रेस्पेक्टिव ऑफ द लोड। तो इस प्रकार की जो मोटर होती है, सिंक्रोस मशीन जो मोटर होती है, एज ए मोटर द शाफ्ट स्पीड मस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट। तो शाफ्ट की स्पीड हम कॉन्स्टेंट रखते हैं, उसमें लोड का कोई इफेक्ट नहीं होता है। प्रोवाइड दैट द सप्लाई फ्रीक्वेंसी रिमेन कॉन्स्टेंट। तो शाफ्ट की स्पीड कॉन्स्टेंट रहेंगे तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी हमारे पास में कॉन्स्टेंट रहेगी। ये जनरेटर का सिंक्रोनस मशीन, जनरेटर सिंक्रोनस मशीन का इक्विवेलेंट डायग्राम दिखाया गया, एक्सएस एक्स वन आर। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द जनरेटर सिंक्रोनस मशीन, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस जेड एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एस स्क्वायर, ये हो जाएगी। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन होता है, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर इज नॉर्मली डिफाइंड एज द राइज इन टर्मिनल वोल्टेज व्हेन गिवन लोड इज थ्रोन ऑफ। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, राइज इन वोल्टेज, राइज इन टर्मिनल वोल्टेज व्हेन द गिवन लोड इज थ्रोन ऑफ। थस ई एफ इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन द ओपन सर्किट एंड बी इज द टर्मिनल वोल्टेज एट ए गिवन लोड। द वोल्टेज रेगुलेशन इज गिवन बाय पर यूनिट रेगुलेशन ई एफ माइनस बी डिवाइड बाई बी, यानी कि जो ई एम एफ इंड्यूस्ड है ओपन सर्किट के अंदर वो माइनस होगा। इंड्यूस्ड वोल्टेज ऑफ द ओपन सर्किट ई एफ इक्वल टू इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द ओपन सर्किट माइनस के टर्मिनल वोल्टेज डिवाइड बाई टर्मिनल वोल्टेज इंटू 100 से पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं। तो ये डीसी मशीन के बारे में। अब देखते हैं कि इसकी एक्सरसाइज क्या है। इसी फोर ए इंडक्शन मोटर, फोर ए इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर के लिए क्या करते हैं हम, फोर ए इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग एट ए स्लिप एस, अगर इंडक्शन मोटर स्लिप फ्रीक्वेंसी स्लिप पर एस पर ऑपरेट कर रही है, रेशियो ऑफ ग्रॉस पावर आउटपुट टू एयर गैप पावर, ग्रॉस पावर आउटपुट टू एयर गैप पावर का रेशियो है वो क्या होगा, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, वन माइनस के एस होगा। फिर विच थ्री फेज कनेक्शन कैन यूज इन ट्रांसफॉर्मर टू इंट्रोड्यूस फेज डिफरेंस ऑफ 30 डिग्री। फेज डिफरेंस अगर 30 डिग्री इंट्रोड्यूस करवाना है तो हम अगर इनपुट और आउटपुट के बीच में, इनपुट और आउटपुट टाइम वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस अगर हमें 30 डिग्री शो करवाना है ट्रांसफार्मर के अंदर, तो हम कौन सा कनेक्शन इनमें से यूज करते हैं, तो स्टार और डेल्टा कनेक्शन है हम इसमें से यूज करते हैं। द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए ट्रांसफार्मर हैज लीकेज रिएक्टेंस, इक्विवेलेंट सर्किट है ट्रांसफार्मर का, उसके अंदर लीकेज रिएक्टेंस है एक्स वन एक्स टू डैश एंड मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है वो एक्स एम है। तो मैग्नीट्यूड कौन कौन सा सेटिस्फाई होगा, मैग्नेटिक रिएक्टेंस कैसा होगा और लीकेज रिएक्टेंस कितना होगा, ये हमें देखना है। तो इसके लिए जो वैल्यू है, अगर इक्विवेलेंट सर्किट अगर हमने ट्रांसफार्मर का डिजाइन किया तो लीकेज रिएक्टेंस एक्स वन और एक्स टू डैश है ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे और दोनों के दोनों लेस देन होंगे मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस से। द सिंक्रोनस जनरेटर इज फीडिंग ए जीरो पावर फैक्टर, ये सिंक्रोनस जनरेटर इज फीडिंग ए जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड एट रेटेड करंट, यानी जीरो पावर फैक्टर पर लैगिंग लोड रेटेड लोड रेटेड करंट पर ये फीड हो रहा है जनरेटर के अंदर, सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर। आर्मेचर रिएक्शन क्या होगी, तो लैगिंग कर रहा है, तो लैगिंग करने की कंडीशन में क्या होता है, अगर लैगिंग कर रहा है तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होगी, डी मैग्नेटाइजिंग होगी। अगर लीडिंग करेगा तो आर्मेचर रिएक्शन मैग्नेटाइजिंग टाइप की होगी, क्योंकि पावर फैक्टर जीरो पावर फैक्टर लैगिंग कर रहा है, इस वजह से आर्मेचर रिएक्शन है डी मैग्नेटाइजिंग होगी। लैगिंग में डी मैग्नेटाइजिंग होती है और लीडिंग में मैग्नेटाइजिंग होती है। फॉर द सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर,
तो कौन सा स्टेटमेंट है यहाँ पर वैलिड है? सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर के लिए जो रोटेशन की डायरेक्शन है उसे हम चेंज कर सकते हैं मेन फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल को रिवर्स करके। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हम डायरेक्शन रोटेशन की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो हम मेन वाइंडिंग के जो टर्मिनल है उनको रिवर्स कर देते हैं, तो इससे रोटेशन की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। यानी ट्रांसफॉर्मर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन एट फुल लोड इज, फुल लोड पर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होता है तो कौन से ट्रांसफॉर्मर होता है? लीडिंग पावर फैक्टर लोड पर जो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन है फुल लोड का ट्रांसफॉर्मर का वो जीरो होता है। यानी वोल्टेज रेगुलेशन है ट्रांसफॉर्मर का फुल लोड पर, ओनली एक कंडीशन है जिस पर जीरो पावर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन हो सकता है, वो कंडीशन है लीडिंग पावर फैक्टर लोड। द डीसी मोटर विच कैन प्रोवाइड जीरो स्पीड रेगुलेशन एट फुल लोड विदाउट एनी कंट्रोलर, तो कौन सी मोटर है जो बिना किसी कंट्रोलर के जीरो वोल्टेज रेगुलेशन हमें फुल लोड पर प्रोवाइड करवाती है, तो वो कौन सी मोटर है? संट मोटर है, जो कि जीरो स्पीड रेगुलेशन हमें प्रोवाइड कराती है फुल लोड पर। ए संट स्टार्टर ए फोर पॉइंट स्टार्टर यूज टू स्टार्ट एंड कंट्रोल द स्पीड ऑफ, तो फोर पॉइंट स्टार्टर है वो कहां पर यूज करते हैं, कौन सी मोटर में यूज करते हैं, किस तरीके की मोटर को स्टार्ट करने में यूज करते हैं, किस तरीके की स्पीड को कंट्रोल करने में हम उपयोग करते हैं, तो वो हम करते हैं डीसी संट मोटर विद आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड के अंदर हम इसको यूज करते हैं। यानी डीसी संट मोटर को अगर हमें आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड से उसकी स्पीड कंट्रोल करनी है तब हम फोर पॉइंट स्टार्टर है यूज करते हैं। नेगेटिव सीक्वेंस रिले इज कॉमनली यूज टू प्रोटेक्ट, तो नेगेटिव सीक्वेंस रिले हम किस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उपयोग करते हैं, तो नेगेटिव सीक्वेंस रिले हम अगर अल्टरनेटर को प्रोटेक्ट करना है तो नेगेटिव सीक्वेंस रिले हम उपयोग करेंगे। द स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर नॉर्मली डज नॉट डिपेंड ऑन, तो स्लिप है इंडक्शन मोटर की नॉर्मली किस चीज पर डिपेंड नहीं करती है, नॉर्मली डज नॉट डिपेंड ऑन द कोर लॉस कॉम्पोनेंट, तो स्लिप है द स्लिप ऑफ द इंडक्शन मोटर नॉर्मली डज नॉट डिपेंड ऑन द कोर लॉस कॉम्पोनेंट, कोर लॉस कॉम्पोनेंट पर स्लिप है इंडक्शन मोटर की डिपेंड नहीं करती है, बाकी रोटर स्पीड पर स्लिप डिपेंड करती है, शाफ्ट टॉर्क पर डिपेंड करती है, सिंक्रोनस स्पीड पर भी ये डिपेंड करती है। लीकेज फ्लक्स इन द इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर के अंदर जो लीकेज फ्लक्स होता है वो किस वजह से होता है, तो लीकेज फ्लक्स होता है वो होता है फ्लक्स दैट लिंक्स द स्टेटर वाइंडिंग और द रोटर वाइंडिंग बट नॉट बोथ, या तो ओनली स्टेटर वाइंडिंग पर फ्लक्स लिंक है या ओनली रोटर वाइंडिंग पर लिंक है, लेकिन दोनों में अगर वो लिंक नहीं है तो लीकेज फ्लक्स वो इंडक्शन मोटर के अंदर कहलाता है। इन डीसी मशीन द आर्मेचर वाइंडिंग आर प्लेस्ड ऑन द रोटर, आर्मेचर वाइंडिंग है डीसी मशीन के अंदर रोटर पर प्लेस की जाती है, ये नेसेसरी है, क्यों नेसेसरी है, क्योंकि कॉम्यूटेशन अगर हमें करवाना है तो डीसी मशीन के लिए आर्मेचर वाइंडिंग है हमेशा रोटर पर प्लेस की जाती है ताकि हम कॉम्यूटेशन प्रॉपरली करवा सके, तो ये कॉम्यूटेशन के लिए हम आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर में प्लेस करते हैं। इन नॉर्मली डीसी मशीन ऑपरेटिंग एट फुल लोड कंडीशन, तो डीसी मशीन है नॉर्मली ऑपरेट हो रही है फुल लोड कंडीशन में, द मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट इज, तो कौन सा पावरफुल मैग्नेट होगा अगर नॉर्मली फुल लोड कंडीशन पर मशीन ऑपरेट हो रही है, तो कौन सा पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, कौन किसके द्वारा अच्छा और बढ़िया क्वालिटी का पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस किया जाएगा, तो वो किया जाएगा हमारी फील्ड वाइंडिंग के द्वारा, फील्ड वाइंडिंग जो इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोवाइड करेगी वो पावरफुल प्रोवाइड करेगी। इन सिंक्रोनस जनरेटर ऑपरेटिंग एट जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, सिंक्रोनस जनरेटर है जीरो पावर फैक्टर लैगिंग पर ऑपरेट हो रहा है, आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट कैसा होगा, तो अगर जीरो पावर फैक्टर लैगिंग पर हो रहा है लैगिंग में डीमैग्नेटाइजिंग होगा और लीडिंग में मैग्नेटाइजिंग टाइप होता है। इन डेल्टा डबल डेल्टा ट्रांसफॉर्मर, एक डबल डेल्टा ट्रांसफॉर्मर दिया हुआ है, डबल डेल्टा रेफर टू द केस वेयर देयर आर टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन इज, तो डबल डेल्टा ट्रांसफॉर्मर किस केस में हम लगाते हैं, डबल डेल्टा ट्रांसफॉर्मर हम ओनली सीरीज कनेक्शन में लगाते हैं,
दी डबल डेल्टा रेफर टू दी केस वेयर दी टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन इज आर इन सीरीज। तो सीरीज में जब टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं तो उसे कहते हैं हम डबल डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। मोस्ट फेमिलियर एप्लीकेशन ऑफ जिगजैग ट्रांसफॉर्मर, जिगजैग ट्रांसफॉर्मर की सबसे बढ़िया एप्लीकेशन क्या है, कहां पर इसका यूज करते हैं हम, ग्राउंड रेफरेंस ऑन अंडरग्राउंड सिस्टम। तो जो जिगजैग ट्रांसफॉर्मर होता है उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है उपयोग करने का ग्राउंड रेफरेंस ऑन ए अंडरग्राउंड सिस्टम। इन स्कॉट कनेक्शन वोल्टेज अक्रॉस दी टीजर लीड दी मेंस वाई, तो टीजर लीड्स के अंदर जो वोल्टेज होगा स्कॉट कनेक्शन के अंदर वो क्या होता है 90 डिग्री होता है। वोल्टेज अक्रॉस दी टीजर लीड्स दी मेन वाई 90 डिग्री, दी लोड कैरीज वाई जो बीवी कनेक्शन होता है उसके द्वारा लोड कितना परसेंट लिया जाता है, तो उसके द्वारा 57.7% ओरिजिनल लोड का ले लिया जाता है। जो बीवी कनेक्शन होता है उसके द्वारा 57.7% ऑफ ओरिजिनल लोड ले लिया जाता है। दी मोस्ट कॉमनली यूज कनेक्शन फॉर पावर सिस्टम ऑफ स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए, अगर स्टेप अप करना है या स्टेप डाउन करना है तो हम कौन कौन सा कनेक्शन है पावर ट्रांसफॉर्मर के अंदर उपयोग करते हैं। अगर हमें स्टेप अप करना है तो हम उपयोग करते हैं स्टार से डेल्टा, स्टार से डेल्टा में जाएंगे तो वोल्टेज है स्टेप अप हो जाता है, और अगर हमें स्टेप डाउन करना है तो हम डेल्टा से स्टार में आएंगे, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। फॉर द लार्ज लो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर, लार्ज लो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर द मोस्ट कॉमनली यूज कनेक्शन, तो लार्ज लो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर में हम कौन सा कनेक्शन है उपयोग करते हैं, तो लार्ज लो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन में हम बेसिकली डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है उपयोग करते हैं। This test is also called back to back test. तो back to back test कौन से टेस्ट को हम कह सकते हैं, तो back to back test है वो सिंपलर टेस्ट है उसको हम back to back test कह सकते हैं। Open circuit test is to be performed on the transformer. ट्रांसफॉर्मर में open circuit test हम क्यों परफॉर्म करते हैं, open circuit test हम ट्रांसफॉर्मर में परफॉर्म करते हैं constant loss find करने के लिए। अगर हमें constant loss find करना है तो हम open circuit test है ट्रांसफॉर्मर पर परफॉर्म करेंगे। इन वॉशिंग मशीन मोस्ट कॉमनली यूज मोटर कौन सी है, तो वॉशिंग मशीन में हम कौन सी मोटर का उपयोग करते हैं, तो वॉशिंग मशीन के अंदर हम स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है बेसिकली उपयोग करते हैं। वॉशिंग मशीन के अंदर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर उपयोग की जाती है। द फेज शिफ्ट ऑफ स्टार स्टार कनेक्टेड थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर, स्टार स्टार कनेक्टेड थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर में फेज शिफ्ट कितना होगा, तो स्टार स्टार कनेक्शन में कोई फेज शिफ्ट नहीं होता है, 0 डिग्री फेज शिफ्ट होगा। इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर दी मोटर स्पीड ऑन नो लोड, नो लोड पर मोटर की स्पीड क्या होगी, सिंगल फेज अगर इंडक्शन मोटर दे रखी है तो नो लोड पर इसकी स्पीड है वो क्या होगी, तो नो लोड पर इसकी स्पीड है ऑलमोस्ट इक्वल टू दी सिंक्रोनस स्पीड होगी। दी रेफ्रिजरेटर या रेफ्रिजरेटर के अंदर कॉमनली कौन सी मोटर हम उपयोग करते हैं, तो रेफ्रिजरेटर के अंदर भी हम कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, जो कैपेसिटर इंडक्शन मोटर होती है उसे हम रेफ्रिजरेटर के अंदर उपयोग करते हैं। The constant voltage transformer are most commonly used in, constant voltage transformer है हम कहां पर यूज करते हैं, तो constant voltage transformer हम उपयोग करते हैं पर्सनल कंप्यूटर के अंदर। For the parallel operation three phase transformer, कौन सा कनेक्शन हम अगर हम parallel operation करवाना चाह रहे हैं थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर का तो कौन सा कनेक्शन हम उपयोग करेंगे, तो हम उस कंडीशन में करते हैं इनमें से कोई सा भी कनेक्शन उपयोग नहीं करते हैं, जैसे स्टार डेल्टा डेल्टा है या स्टार स्टार दे रखा है, डेल्टा स्टार दे रखा है, स्टार स्टार डेल्टा दे रखा है या स्टार स्टार दे रखा है, तो पैरेलल ऑपरेशन करवाते हैं हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर का तो हम ओनली कौन सा कनेक्शन यूज करते हैं, एक तरफ या तो स्टार होने चाहिए या डेल्टा होने चाहिए, तो फर्स्ट में प्राइमरी में स्टार स्टार फिर स्टार डेल्टा, तो स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार यूज करते हैं, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन है वो सही नहीं है। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है, जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है उसके अंदर क्या होता है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के अंदर लो स्टार्टिंग करंट होगी और मॉडरेट स्टार्टिंग टॉर्क होगा, जो भी स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का होगी उसके अंदर स्टार्टिंग करंट की वैल्यू तो लो होती है और स्टार्टिंग टॉर्क है वो मॉडरेट होता है। इफ फील्ड करंट इज डिक्रीज इन शंट डीसी मोटर द स्पीड ऑफ द मोटर क्या होगी, अगर फील्ड करंट डिक्रीज हो जाती है शंट डीसी मोटर के अंदर
इफ द फील्ड करंट इज डिक्रीज इन शंट डीसी मोटर स्पीड ऑफ द मोटर इज, तो मोटर की स्पीड क्या होगी, मोटर की स्पीड होगी डिक्रीज हो जाएगी. इन द फील्ड करंट इज डिक्रीज इन द शंट डीसी मोटर द स्पीड ऑफ मोटर इज डिक्रीज. तो शंट डीसी मोटर के अंदर जैसे ही फील्ड करंट कम हो जाती है उसी टाइम पर जो मोटर की स्पीड है वो भी डिक्रीज जाती है, यानी कि फील्ड करंट के अक्रॉस अकॉर्डिंग ये इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है. एडी करंट लॉसेज विल डिपेंड ऑन, एडी करंट लॉसेज हैं किस चीज पर डिपेंड होते हैं, तो एडी करंट लॉसेज हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, एडी करंट लॉसेज हैं बेसिकली फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड होते हैं या फ्लक्स डेंसिटी पर डिपेंड होते हैं या थिकनेस पर डिपेंड होते हैं. तो एडी करंट लॉसेज डायरेक्टली वैसे तो ऑल ऑफ अबव होने चाहिए लेकिन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि जो एडी करंट लॉसेज का जो फार्मूला होता है वो बी की पावर एफ बी मैक्सिमम की पावर एक्स, एक्स की वैल्यू 1.6 होती है इंटू एफ इंटू टी के अकॉर्डिंग होती है. तो मेनली ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं, बाकी जो पैरामीटर होते हैं वो कॉन्स्टेंट होते हैं. तो एडी करंट लॉसेज भी डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो एडी करंट लॉसेज हैं वो यहां पर फ्रीक्वेंसी पर रखे हैं. 31 ए ऑप्शन, तो इसका मतलब क्या है, एडी करंट लॉसेज यहां पर बुक में फ्रीक्वेंसी पर रखे हैं, वैसे ऑल ऑफ ऑफ होनी चाहिए. थिन लेमिनेशन आर यूज इन द मशीन इन ऑर्डर टू रिड्यूज, थिन लेमिनेशन है जो मशीन में यूज किया जाता है वो किस लिए यूज करते हैं. तो थिन लेमिनेशन मशीन के अंदर कॉपर लॉसेज को रिड्यूस करने के लिए करते हैं. हिस्टेरेसिस लॉसेज है वो किस चीज पर डिपेंड करते हैं, तो हिस्टेरेसिस लॉसेज हमारे वो भी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं. तो हिस्टेरेसिस लॉसेज हो या फिर एडी करंट लॉसेज हो दोनों फ्रीक्वेंसी पर ही डिपेंड करते हैं. द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द डीसी जनरेटर आर्मेचर वाइंडिंग, डीसी जनरेटर की आर्मेचर वाइंडिंग में या डीसी जनरेटर आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो कैसा होता है. तो आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो ईएमएफ जनरेट होता है वो होता है एसी टाइप, लेकिन कम्यूटेटर पर जाकर वो डीसी में कन्वर्ट हो जाता है. डीसी जनरेटर विदाउट कम्यूटेटर इज, विदाउट कम्यूटेटर डीसी जनरेटर क्या है, विदाउट कम्यूटेटर डीसी जनरेटर एक एसी जनरेटर की तरह काम करेगा, क्योंकि कम्यूटेटर पर जाकर डीसी में कन्वर्ट हो जाता है. डीसी जनरेटर ब्रोसेज आर यूज्ड फॉर